तो हम सभी जानते हैं कि iOS 11 का जो कंट्रोल सेंटर या फिर नोटिफिकेशन पैनल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, और यहाँ पर तुम ओवरव्यू देख सकते हो कि कितना अच्छा तरीके से इसे कस्टमाइज़ किया गया है, और लुक वाइज जो है काफ़ी अच्छा तरीके से यहाँ से हम लोग ब्राइटनेस को इंक्रीज कर सकते हैं, वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं, तो ये जो कस्टमाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो माई नेम इज़ गौतम ज्वाली एंड यू आर वॉचिंग गौतम ज्वाली यूट्यूब चैनल। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू हाउ टू इंस्टॉल iOS 11 कंट्रोल सेंटर इन एनी एंड्रॉइड फोन। तो तुम देख सकते हो कि मेरे पास एक रेडमी का फोन है और इस फोन में जो है मैं iOS 11 का कंट्रोल सेंटर को इंस्टॉल कर चुका हूँ। हाँ, एक थर्ड पार्टी ऐप्स को डाउनलोड करने की जरूरत पड़ी, लेकिन काफ़ी अच्छा तरीके से मेरे फोन में जो है ये काम कर रहा है। लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास रियलमी, ओप्पो, वीवो या फिर कहें तो किसी भी कंपनी का फोन है तो तुम अपने फोन में इस तरीके का कंट्रोल सेंटर को इंस्टॉल कर पाएगे। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक रेडमी का फोन है और रेडमी के फोन में कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन पैनल या फिर कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है, लेकिन एक थर्ड पार्टी ऐप्स की मदद से हम लोग अपने एंड्रॉइड फोन में iOS 11 का कंट्रोल सेंटर को सेट कर पाएंगे। यही ऐप्स है और इस ऐप्स को आपको कहां से डाउनलोड करना होगा मैं आपको आगे चलकर इस वीडियो में बता दूंगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही तुम इस ऐप्स को ओपन करोगे तो तुम्हारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहां पर आपको एक नेक्स्ट का बटन दिखाई देगा, नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपको एक एग्री का बटन दिखाई देगा टर्म्स एंड कंडीशन, तो सिंपली इस पर तुम क्लिक करोगे और गो वाले बटन पर तुम जैसे ही क्लिक करोगे डाउनलोडेड ऐप्स में जाने के बाद iOS 11 कंट्रोल सेंटर को ग्रांट करोगे। एंड देख सकते हो कि सेकेंड जो परमिशन है वहाँ पर फोरग्राउंड नोटिफिकेशन का मांगा जा रहा है, तो सिंपली इस पर क्लिक करोगे एंड IAMN पर क्लिक करोगे एंड अलाउ करोगे। एंड थर्ड जो परमिशन है आप देख सकते हो कि कंट्रोल सेंटर परमिशन है, तो सिंपली इस पर क्लिक करोगे एंड इस परमिशन को भी आप यहाँ पर ग्रांट करोगे। एंड यहाँ पर फोर्थ जो परमिशन है नोटिफिकेशन का है, तो सिंपली इस पर तुम क्लिक करोगे एंड iOS 11 पर जाओगे और इस परमिशन को यहाँ पर तुम ग्रांट करोगे। एंड सिक्स जो परमिशन है वो है सिम स्टेटस परमिशन, तो सिंपली इस पर तुम क्लिक करोगे एंड इसे अलाउ करोगे। एंड नेक्स्ट वाले बटन पर तुम जैसे ही क्लिक करोगे तो देख सकते हो कि इस तरीके का आपके पास इंटरफेस दिखाई देगा, और आप टॉप यानी कहें तो स्टेटस बार से डाउन करोगे तुम अपने उंगली को यानी कहें तो फिंगर को, तो तुम्हारे जो है वो कंट्रोल सेंटर जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का है और काफ़ी अच्छा तरीका से तुम्हारे फ़ोन में ये काम भी अब करने लगा है। तो अभी तुम देख सकते हो कि यहाँ पर और भी एक कस्टमाइज का एक बटन दिखाई देगा, इस कस्टमाइज वाले बटन पर जाने के बाद आप टाइल कलर को चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैं इसे ये कहें तो इस थ्री कलर में कर दिया, एंड डाटा टाइल कलर को भी तुम चेंज कर सकते हो, एंड बहुत ही कुछ जो इसमें जो है आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक चेंज वॉलपेपर का भी ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको काफ़ी आसान मौसम तरीके का जो है वॉलपेपर भी देखने को मिलेंगे, एंड आप अपना फ़ोन का भी जो है वॉलपेपर को जो है यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। अब मान लिया जाए कि इस ऐप्स को डाउनलोड कैसे करना है, एंड इफ़ यू वांट टू डाउनलोड दिस ऐप्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू प्ले स्टोर एंड सर्च द सर्च बॉक्स फॉर iOS 11 नोटिफिकेशन पैनल एंड सर्च द कंट्रोल सेंटर iOS 17 स्टाइल, एंड इस ऐप्स को तुम सिंपली डाउनलोड कर सकते हो एंड चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी अच्छा तरीके से हर किसी का एंड्रॉइड फोन में जो है काम करने वाला है। डेवलपर जो नेम है उसका नाम है जिलान कौर, जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे कहते हैं नोटिफिकेशन पैनल को डिजाइन करते हैं, तो तुम इस ऐप्स को एक बार चेकआउट जरूर कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।